वैक्सीनेशन महाअभियान को सफल बनाने प्रशासन की अपील। खनिया थाना की बीआरसी ने बामोर कला में रैली निकालकर जनता से वैक्सीन लगवाने की अपील। मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा घोषित टीकाकरण महाअभियान 25 से 26 अगस्त को दो चरणों में होने जा रहे वैक्सीनेशन के लिए तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में आज खनिया थाना की बीआरसी ने बामोर कला के मुख्य मार्ग से होते हुए पूरे नगर में रैली निकालकर आमजन और समस्त नगर वासियों से अपील की है। रैली में क्षेत्र के सभी शिक्षक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रथम और द्वितीय डोज जो अभी तक नहीं लगवाए हैं, ऐसे में उन लोगों को आवश्यक टीकाकरण केंद्र जाकर टीका लगवाने की अपील की गई। आपको बता दें कि खनिया थाना ब्लॉक में 25-26 के महाअभियान के लिए 23 केंद्र बनाए गए हैं और साथ ही इन केंद्रों में टीकाकरण किया जाएगा। कलेक्टर के द्वारा तमाम तैयारियों का जायजा लिया गया। मुख्यमंत्री के वैक्सीनेशन महाअभियान के आह्वान के लिए खनिया थाना ब्लॉक में पूरी तरीके से तैयारियां की जा चुकी हैं। हर महाअभियान को सफल बनाने में हर कोई जुटा है। 25-26 अगस्त के लिए महाअभियान के लिए खनिया थाना ब्लॉक पूरी तरह तैयार है। माननीय कलेक्टर महोदय एवं अनुभागीय अधिकारी श्रीमान एसडीओ महोदय के निर्देशन अनुसार और ये रैली निकाली गई है। जैसा कि हम सभी को पता है कि 25 और 26 अगस्त को 25 को प्रथम और 26 अगस्त को द्वितीय डोज लगना है। तो जितने भी हमारे समाज में ऐसे लोग रह रहे हैं जिनके लिए किसी कारणवश नहीं लग पाया है किसी को प्रथम या द्वितीय, तो ये जागरूकता रैली है जिससे कि सभी लोग जागरूक हों और आके वैक्सीनेशन कराएं, जिससे सभी हम सुरक्षित रहें और जो तीसरी लहर का खतरा है वो भी कम होगा, इसीलिए रैली निकाली गई है। इस रैली में हमारे समस्त शिक्षक एवं जनशिक्षक जो हम CAC बोलते हैं और अपने समाज के जो जागरूक व्यक्ति हैं वो सभी इस रैली में शामिल हुए। हमारा सब लोगों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पात्र व्यक्ति टीकाकरण केंद्र पे पहुँचे। टीकाकरण केंद्र की जानकारी आज हम प्रसारित करेंगे। तकरीबन 200 टीकाकरण केंद्र बन रहे हैं पूरे ज़िले में। बहुत पर्याप्त हमारे पास वैक्सीन है, तो फर्स्ट डोज सेकंड डोज के जो भी हितग्राही हैं उनसे बार बार हमारा अनुरोध है कि इस अवसर का लाभ उठाएँ और टीकाकरण कराएँ। जो हमारे NGOs हैं, सरकारी अमला है, स्व सहायता समूह के लोग हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग हैं, उन सबसे अनुरोध है कि जिले के हित में इस काम को कराने में योगदान दें और लोगों को आज से ही प्रेरित करें।